पिछले साल ही अपने पिताजी के जन्मदिन पर हॉस्पिटल में गरीबों को केला बंटवाया था। क्या वो समाज सेवा नहीं है? जहां रामायण हर कीर्तन होता है जाके झाल बजाता हूं, क्या वो समाज सेवा नहीं? नेताजी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नेताजी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नमस्कार, नमस्कार। देखिए, मैं इस साल विधानसभा का चुनाव लड़ रहा हूँ। अच्छा। और चूंकि आप लोग युवा हैं, तो इसीलिए मैं सबसे पहले युवाओं के पास आया हूँ, क्योंकि युवा ही हमारे देश के कर्णधार हैं, आने वाले समय के भविष्य हैं, उन्हीं से हमारा देश बनेगा। तो इस साल आप लोगों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में वोट देकर हमें विजयी बनाइए। लेकिन आप है कौन? अरे भाई, मैं एक समाज सेवी हूँ। समाज सेवी हैं? लेकिन हमने आपको पहचाना नहीं। हाँ। अरे भाई, पूरे शहर में इतने बड़े बड़े होर्डिंग बैनर लगे हुए हैं, सब मेरे ही ना है। हाँ, इतना समाज सेवा करता रहता हूँ दिन भर। अच्छा अच्छा, जो लगा है वो चौराहे पे। हाँ। मोहन जी है। अच्छा, अच्छा। कैसे हैं जी? अरे बस, आप लोगों का आशीर्वाद है बस, और आगे भी मिलता रहे। बताइए। अच्छा, तो आप समाज सेवी हैं नेताजी। हाँ 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 हाँ। तो आपने समाज के लिए क्या किया है नेताजी, कुछ बताएंगे? अरे भाई, हमारे इलाके में जहां भी शादी पड़ती है, मैं सबसे पहले वहां पहुंच करके अपना न्योता देता हूं। अगर किसी के शादी विवाह का सूचना मुझे किसी भी तरह आ जाना चाहिए, अगर आ जाता है तो मैं सबसे पहले पहुंचकर वहां अपना न्योता देता हूं। ये समाज सेवा है कि नहीं? आप लोग सोशल मीडिया पे देखे ही होंगे। वो सब तो ठीक है नेताजी, लेकिन आपने समाज के लिए क्या किया है? लोगों के लिए क्या किया है? अरे भाई, आप लोग तो जानते ही हैं कि जहां भी कोई मर गया हमारे इलाके में, मैं वहां सबसे पहले पहुंचकर उस बेचारे को ढाढ़स बढ़ाता हूँ, सांत्वना देता हूँ, और यहाँ तक कि उसके जनाजे को कंधा भी देता हूँ। देख, फेसबुक नहीं देखते हैं आप? अच्छा अच्छा, इन्हीं का आया था ना फेसबुक पे पोस्ट। अच्छा अच्छा, वो सब तो ठीक है नेताजी, लेकिन समाज के लिए आपने क्या किया है? लोगों के लिए क्या किया है आपने? अरे भाई, जहां भी क्रिकेट प्रतियोगिता होता है, फुटबॉल मैच होता है, यहाँ तक कि कबड्डी होती है, मैं सबसे पहले वहां पहुंच के फीता काट के उद्घाटन मैं ही तो करता हूँ। देखते नहीं है क्या आप लोग? शायद आप लोग सोशल मीडिया से काफी दूर हैं। नहीं, देखते हैं, देखते हैं। वो सब तो ठीक है नेताजी, लेकिन आप समाज के लिए क्या करते हैं? अरे क्या समाज, समाज की रट लगाए रखे हो यार। किसी की शादी विवाह में जाता हूँ, क्या वो समाज सेवा नहीं है? किसी के सुख दुख में जाता हूँ, क्या वो समाज सेवा नहीं है? जहाँ रामायण हर कीर्तन होता है जाके झाल बजाता हूँ, क्या वो समाज सेवा नहीं है? और पिछले साल ही अपने पिताजी के जन्मदिन पर हॉस्पिटल में गरीबों को केला बंटवाया था, क्या वो समाज सेवा नहीं है? क्या वो समाज सेवा नहीं है, बताएंगे आप लोग? अच्छा अच्छा, आपका एफबी पे हम पोस्ट देखे थे, एक केले को 20 लोग दे रहे थे, एक बीमार लोग भी थे उसमें। बताइए। अच्छा अच्छा, तो आप केला देना, हर कीर्तन कराना, क्रिकेट मैच का उद्घाटन कराना, ये समाज सेवा है आपके लिए? नहीं। समाज के लिए आपने क्या किया है, आपने ये तो बताया ही नहीं। लोगों के विकास के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए। कोई मर जा रहा है तो वहाँ पे आप चले जा रहे हैं, और आपके चेला लोग लिख दे रहे हैं कैप्शन में कि नेताजी पुछार करते हुए। अरे ये समाज सेवा है? आपने युवाओं के लिए क्या किया है? आपने बेरोजगारों के लिए क्या किया है? समाज के दबे कुचले लोगों के लिए आपने क्या किया है? समाज में शिक्षा व्यवस्था ठीक हो उसके लिए क्या किया है आपने? रोड, सड़कें, आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, क्या किया है उसके लिए नेताजी, क्या किया है? चिकित्सा व्यवस्था को ठीक करने के लिए आपने क्या किया है? अरे तो मैं क्या करूं यार, समाज का अंडर वियर बनियान हूं। अरे चलो यार, कहां अनपढ़ों की बस्ती में आ गए तुम लोग, चलो चलो, जाइए जाइए, चलो। हमें अनपढ़ कहते हैं? खुद तो पढ़े लिखे हैं नहीं, चले आते हैं हमें अनपढ़ गवार कहने। तो देखा आप लोगों ने, चुनावी माहौल चल रहा है, और इस माहौल में ही नेता लोग आपके घर आएंगे, आपके गांव आएंगे,
और ऐसी ऐसी बातें करेंगे, आपको फंसाएंगे। लेकिन हमें सतर्क रहना है और अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके अच्छे नेता को चुनना है जिससे हमारे क्षेत्र का विकास हो सके। वोट जरूर करें।